हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इसमें आप ये माने कि एग्ज़ाम के अंदर एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। अभी तक की वीडियोस में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर खुद से अपना कोई काम नहीं कर सकता, उसे काम करवाने के लिए एक ह्यूमन को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, उसे बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि उसे अब क्या काम करना है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो कमांड दी जाती है, उसे हम एज अ इनपुट लेकर चलते हैं। और इनपुट देने के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम की भी ज़रूरत होती है, हमारे पास कोई ना कोई डिवाइस भी होनी चाहिए। डिवाइस मतलब कि कोई ऐसा माध्यम जिसके थ्रू हम क्या करें, इनपुट दे सकें। इसमें हम एक लाइव एग्जांपल एक इंसान का लेके चलें तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें अगर हमें कोई आवाज़ सुनने को मिलती है तो हमारे कान एक्टिव हो जाते हैं, तो हमारा जो पूरा ध्यान है वो कान की तरफ हो जाता है कि वो साउंड एक्चुअल में क्या चीज़ की है, वो क्या बताने की कोशिश कर रही है। दूसरी चीज़, अगर हमें सुनाई तो कुछ नहीं दे रहा बट दिखाई हमें सब कुछ दे रहा है, तो हम एक तरह से इनपुट कहाँ से ले रहे हैं, अपने आँखों के माध्यम से इनपुट ले रहे हैं। थर्ड चीज़ पे हमें कोई चीज़ सूंघने को मिल रही है तो हम इनपुट जो है वो नाक के थ्रू इनपुट ले रहे हैं। वैसे ही कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए हमारे पास अलग अलग डिवाइसेज होती हैं। पीछे हमने बात भी की थी कि इनपुट हम टेक्स्ट की फॉर्म में भी दे सकते हैं, पिक्चर की फॉर्म में, मतलब जो दिखाई दे पिक्चर की फॉर्म में भी दे सकते हैं, साउंड की फॉर्म में भी इनपुट हम कंप्यूटर को दे सकते हैं जिसके अंदर हम वॉइस को इन्वॉल्व करेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर हो सकते हैं कि इनपुट हम किस किस पैरामीटर के माध्यम से देंगे। और इन सभी इनपुट को लेने के लिए अगर आप टेक्स्ट में देना चाहते हो तो आपकी इनपुट डिवाइस आप कोई और यूज़ करोगे। जैसे अगर आपको देखना है तो आप आंखों का यूज़ करोगे, अगर आपको सूंघना है तो आप नाक का यूज़ करोगे। वैसे ही अगर आपको टेक्स्ट कंप्यूटर को देना है तो आपको अलग डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पिक्चर की फॉर्म में डेटा कंप्यूटर के अंदर इनपुट देना चाहते हो तो आपको अलग डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप साउंड को इनपुट करवाना चाहते हो कंप्यूटर में तो आपको अलग डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में लेकर चलोगे। अब ये इनपुट जो है वो देगा कौन? इनपुट या तो यूज़र देगा या फिर प्रोग्रामर देगा, बट इसमें कोई मशीन भी हो सकती है जो कंटिन्यू क्या करे, कंप्यूटर को इनपुट देती रहे। तो इनपुट देने का जो काम है, अगर हम कंप्यूटर को ये माने कि ये हमारा कंप्यूटर है, इनपुट हमेशा बाहर से आएगा। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो इनपुट डेटा होता है वो कौन सा डेटा माना जाता है? आउटसाइड वर्ल्ड का दिया हुआ डेटा, मतलब बाहर की दुनिया से आया हुआ जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा देते हैं, उसे हम बोलते हैं डेटा का इनपुट देना। अब इनपुट जो डिवाइसेस हैं वो बहुत सारी हैं, उन सभी डिवाइसेस को हम बिल्कुल डिटेल के अंदर कवर करेंगे। और एक बार अगर इस टॉपिक को हमने ख़त्म कर लिया तो मेरी गारंटी है आपको इस टॉपिक को दोबारा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं आप सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करो। एक आपके पास जो भी कोई रेफरेंस बुक हो, आपकी कोई भी कॉलेज गोइंग के टाइम पे जो BCA MCA की बुक है, PGDCA की बुक है, वो आप उठाकर उनको पढ़ो। उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की थ्योरीज देख लो थोड़ा बहुत, और जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। बट ये आपको यहाँ से पढ़ने के बाद में MCQ निकालने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो पेपर के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं। आज की क्लास में हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का इंट्रो देखेंगे पूरा, और डिटेल के अंदर वन बाय वन डिवाइसेस को पूरा कवर करेंगे। पहले इनपुट डिवाइसेस, देन हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। एक चीज़ आपको और मेंशन करनी है, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइसेस, जितनी भी तरह की इनपुट डिवाइसेस होती हैं उन सबको हम
एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। जब भी हम बात करेंगे इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस की, इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइसेस इसमें शामिल हो जाएंगी। और इन डिवाइसेस का दूसरा नाम कौन सा होता है? पेरिफेरल डिवाइसेस। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, और वो आपको एग्जांपल दे देगा कि कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू, इस तरीके से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होंगी वो सब डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर कंसीडर की जाती हैं। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हम एग्जांपल लेकर चलें कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर को देखा है तो ये हमारा एक कंप्यूटर है, और ये यहाँ पे एक कीबोर्ड रखा हुआ है, और ये है सीपीयू, और ये हमारा कौन सा कंप्यूटर है? डेस्क टॉप कंप्यूटर। ये हमारी डेस्क के ऊपर रखा जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डेस्क टॉप कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में जो बेसिक हम मान के चलें कि एक माउस भी जुड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर आपने सबने देखा होगा। और इसमें अगर हम अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखें, तो कीबोर्ड के ऊपर अगर हम कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो डेटा डायरेक्ट जाके यहाँ पे दिखा देता है। जैसे मैंने प्रेस किया ए बी सी, ये ए बी सी हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं इनपुट में, तो कीबोर्ड कैसी डिवाइस हो गई? इनपुट डिवाइस। यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन दिए गए हैं कंप्यूटर में, तो हम एक माउस का यूज़ करते हैं, उस माउस को हम मूव करेंगे। जैसे हम इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक कर लेंगे, ऑप्शन कुछ सेलेक्ट करते हैं। तो इस माउस का काम भी क्या है कि कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई डेटा के साथ में छेड़छाड़ करना, उसमें से कोई डेटा को सेलेक्ट करना। तो माउस भी एक तरह का कौन सी डिवाइस कंसीडर की जाती है? इनपुट डिवाइस, क्योंकि इससे ह्यूमन जो है, इंसान अपने हाथ का यूज़ करके और उसमें जो बटन लगे होते हैं उसके थ्रू कोई ना कोई इनपुट जो है वो कंप्यूटर को देता है। वो क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद जो भी ऑपरेशन, अगर कंप्यूटर के अंदर अगर कोई फोल्डर है तो वो ओपन हो जाएगा, अगर कोई सॉन्ग के ऊपर क्लिक हुआ है तो वो प्ले हो जाएगा, अगर वीडियो के ऊपर क्लिक हुआ है तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी। तो इनपुट देने का काम हमने इस बार किससे किया? माउस के थ्रू। माउस भी हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। अब आपको ये जो सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप ये मान के चलो अगर ये मॉनिटर नहीं होता और आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, कीबोर्ड के ऊपर बटन को प्रेस कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या क्या कमांड अभी तक उनको जो कंप्यूटर है उसको दे दी, और माउस का आप यूज़ कैसे करोगे अगर आपको कोई भी चीज़ डिस्प्ले पे दिखाई नहीं दे रही। तो आपकी दी हुई इनपुट कमांड जब कंप्यूटर दोबारा आपको दिखाता है इस मॉनिटर के माध्यम से, इस मॉनिटर को हम कंसीडर करते हैं एक आउटपुट डिवाइस। ये आउटपुट क्यों है? क्योंकि ये डेटा जो है वो डायरेक्ट किसको दिखा रहा है? यूज़र को दिखा रहा है। यूज़र अपनी आंखों से उसको देख पा रहा है, तो यूज़र को दिखाने वाली जो इन्फॉर्मेशन हुई वो हो जाएगी एक आउटपुट डिवाइस। अब इसमें हम एक एग्जांपल और लेंगे। जैसे ये मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक स्लॉट है और हमने एक अपना हेडफोन यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। कंप्यूटर में हमने कोई ऑडियो को प्ले किया, कोई सॉन्ग प्ले कर लिया, उस पर डबल क्लिक किया, उसे माउस के थ्रू हमने इनपुट दे दिया कि हमें इस सॉन्ग को प्ले करना है, इस गाने को चलाना है। और जब उसमें हेडफोन कनेक्ट होगा, इस ऑपरेशन का हमारे हेडफोन पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि उस हेडफोन में उस गाने की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये हेडफोन एक तरह से कौन सी डिवाइस हो गई? यूज़र के पास डेटा जाएगा, गाना पड़ा कहाँ पे था? कंप्यूटर के अंदर। अंदर से वो बाहर आया तो ये हेडफोन के थ्रू बाहर आया, तो ये डिवाइस हो गई हमारी एक आउटपुट डिवाइस। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अलग अलग होती हैं, और इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इनके अंदर डिफरेंस देखेंगे और कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, उन सब के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। अब सीपीयू की जब हमने बात की थी स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो सीपीयू है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सेकंड के भी कुछ भाग के अंदर अपना कोई काम जो है वो पूरा कर लेता है।
और कीबोर्ड आपको ध्यान है कि अगर हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते हैं तो कीबोर्ड और माउस जो भी डिवाइसेस होती हैं वो डायरेक्ट सीपीयू से तो कनेक्टेड ही नहीं होती, वो डायरेक्ट कहाँ से कनेक्ट होती है? मेमोरी से। उनका दिया हुआ डेटा पहले मेमोरी में जाता है, मेमोरी से वो सीपीयू में ट्रांसफ़र होता है। तो अब आप ये सोचो कि सीपीयू जो है वो सेकंड के भी कुछ पोर्शन के अंदर अपने सारे काम पूरे कर लेता है, और जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उसमें अगर हम डेटा को इनपुट करवाते हैं तो पहले तो वो चीज़ डिपेंड हो जाती है कि जो इंसान यूज़र उस इनपुट को देगा, और इनपुट अगर दे भी दिया उसके बाद वो पहले तो जाएगी मेमोरी में, देन वो ट्रांसफ़र होगी सीपीयू के पास कोई काम करने के लिए। तो इस प्रक्रिया में जो हम एक तरह से ये लेकर चलेंगे कि जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है कंपेरेटिव टू सीपीयू की स्पीड। इसलिए ये बोला जाता है कि जो आईओ जो डिवाइसेस होती हैं, इनपुट और जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, और किसके कंपैरिजन में? सीपीयू के कंपैरिजन में। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखनी है। जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उनकी स्पीड जो होती है डेटा ट्रैवल करवाने की, कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के बाहर, आउटपुट डिवाइसेस बाहर लेके आएंगी, इनपुट डिवाइसेस डेटा को अंदर लेके जाएगी कंप्यूटर के, उनकी स्पीड सीपीयू की स्पीड से बहुत स्लो होती है। इसीलिए जो डिमांड है कंटिन्यूसली वो किस चीज़ की है? ये सभी की सभी कंपनीज जो हैं वो इन चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि जो आईओ डिवाइसेस हैं उसकी स्पीड को हम इंक्रीज़ करते रहें, और इसके ऊपर अभी कंटिन्यूसली काम चल रहा है कि डिवाइसेस को हम फास्ट करें। आपको ये ध्यान रखना है कि इस आईओ डिवाइसेस की जो स्पीड है वो सीपीयू की स्पीड के कंपैरिजन में स्लो होती है। तो ये एक तरह से हमने देखा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इनपुट डिवाइसेस। जो इनपुट डिवाइस होती है उसे आप ये देखोगे, जैसे बुक्स में आप जब इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि इनपुट डिवाइसेस को हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल में देखो दो वर्ड हैं, एक इलेक्ट्रो और एक मैकेनिकल। इलेक्ट्रिसिटी से ये चलती है क्योंकि इनपुट डिवाइसेस, आप कीबोर्ड अगर है और उसे हम जब तक कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको पता है कि वो काम नहीं करेगा, उसमें कितने भी बटन को प्रेस करो उसमें लाइट नहीं आएगी जब तक वो काम नहीं कर पाएगा। और जैसे ही उसे हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं उसके अंदर एक सप्लाई आएगी लाइट की कंप्यूटर के थ्रू, और वो काम करना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से ये डिवाइस हैंडल की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर ये काम करती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रो बोलते हैं। और हर डिवाइस की अपनी एक मशीनरी होती है, अपनी एक इंजीनियरिंग होती है जिस पर वो बनाई गई है। तो इसे जिस तरीके से मैकेनिकल रूप में जो बनाया गया है उस वजह से इसको एक मैकेनिकल डिवाइस बोलते हैं। और इन दोनों को कंबाइंड करके हम ये बोल देते हैं कि जो इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। अब आपको ये वर्ड अगर देखने को मिले तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। अब इनपुट डिवाइस के अंदर एक चीज़ जो हमने हमेशा देखी है कि जब भी यूज़र इनपुट देगा वो कौन सी एक लैंग्वेज होगी? ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होगी। और इस ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को कंप्यूटर जब एक्सेप्ट करेगा अपने अंदर तो वो किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा? एक कोडेड फॉर्म में। इसका जो हमने बेस है ना ये एकदम अच्छे से पीछे लेक्चर में कवर किया है, तो आपको अगर ये चीज़ें देखनी है तो आप जो पुरानी वीडियोस हैं हमारी वो देख सकते हो, आपको ये क्लियर हो जाएगी। और जो भी स्टूडेंट इन वीडियोस को देख रहे हैं मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस वीडियो से ही आगे कवर करना शुरू कर दो, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने का जो मेन बेस है वो यही है। जो अपना बेसिक बिल्कुल स्ट्रोंग करना चाहते हैं वो फर्स्ट वीडियो से ही इनको देखें, तभी आपको इसका प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ फिर रिवीजन करो। अब आपको ये पता है कि ह्यूमन रीडेबल में देने के बाद में वो कैसे कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और वो कोडेड फॉर्म कौन सा होगा? जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके, 0 और 1। 0101 की एक लैंग्वेज होती है जिसके अंदर जो है
पूरा का पूरा जो डेटा है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है 0-1 की फॉर्म में। इनपुट देने के लिए जो डिवाइसेस हम यूज़ लेते हैं उसमें हम डिवाइसेस को कुछ पोर्शन के अंदर डिवाइड करेंगे। नंबर वन पे हम बात करेंगे कीबोर्ड की। जो सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस होती है, बहुत हम इसको यूज़ भी करते हैं। देन हम बात करेंगे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। थर्ड पे हम बात करेंगे डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस हम यूज़ लेते हैं। देन फोर्थ नंबर पे बात करेंगे कि डिजिटाइज़र, डिजिटाइज़र किस तरह से काम करता है। फिफ्थ पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स को हम कैसे इनपुट डिवाइसेस की तरह यूज़ करते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस को हम देखेंगे। इसमें जैसे हमने बात की थी कि हम बोलकर अपने डेटा को कैसे कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, वो चीज़ें इसमें आ जाएगी। नंबर सेवन्थ पे बात करेंगे विज़न बेस्ड डिवाइसेस। इसके थ्रू हम कैसे डेटा को इंसर्ट करवाते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये इतनी सारी डिवाइसेस हैं, इसके अंदर भी कीबोर्ड तो हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, पॉइंट एंड ड्रॉ के अंदर हम देखेंगे कि पेन कैसे काम करता है, डिजिटल पेन, माउस कैसे काम करता है, इसमें बहुत सारी डिवाइसेस आ जाएंगी। फिर डेटा स्कैनिंग के अंदर स्कैनर कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम स्कैनर को यूज़ करते हैं, फिर डिजिटाइज़र, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, तो इन सब का डिस्कशन हम वन बाय वन करेंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइसेस को। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी है इनपुट डिवाइस कीबोर्ड। इस डिवाइस के बारे में बात करें तो ये मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के थ्रू हम क्या क्या चीज़ों का इनपुट दे सकते हैं वो आप बताओ। जैसे अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उनका इनपुट भी हम इसमें दे सकते हैं। इसमें हम स्पेशल जो कैरेक्टर होते हैं उनका भी इनपुट दे सकते हैं। और जब ये सब डेटा हम इनपुट देते हैं तो ये वायर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये कंप्यूटर के अंदर इनपुट आती है डेटा के रूप में, और उस इनपुट को कंप्यूटर कन्वर्ट कर लेता है एक अंडरस्टैंडिंग कोड के अंदर। आपने जैसे ही ए को टाइप किया, ए उस वायर के थ्रू कंप्यूटर के अंदर आ गया, और उस कंप्यूटर के अंदर आने से पहले वो डेटा, वो ए नाम का जो अल्फ़ाबेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक अंडरस्टैंडिंग कोड के अंदर। और वो कौन अंडरस्टैंड करेगा? कंप्यूटर। कि जैसे ही इनपुट देंगे, अल्फ़ाबेट देंगे, नंबर देंगे, कोई भी स्पेशल जो कैरेक्टर है उनको अपने एंटर करेंगे, वो सब के सब उस वायर के थ्रू कंप्यूटर के अंदर आएंगे, और आने से पहले कंप्यूटर उसे जैसे ही एक्सेप्ट करेगा वो कन्वर्ट हो जाएंगे हैंड टू हैंड उस लैंग्वेज के अंदर जो कंप्यूटर को समझ में आती है। और वो लैंग्वेज हम, मैंने बहुत बार बताया आपको, 0-1 होती है, और इसे ही हम इतनी बार पढ़ लेंगे कि आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। तो अभी एक बार आप कोई डाउट मत रखना, आगे ये अपने आप आपको समझ आ जाएगी कि कैसे वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं 0-1 में। अब इसमें अगर हम कीज़ की बात करें, कि क्वेश्चन अगर आएगा कीबोर्ड में, तो जैसे अल्फ़ाबेट हैं उनको हम क्या क्या चीज़ें, किस किस नाम से जानते हैं उन कीज़ को, नंबर को, स्पेशल कैरेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। स्पेशल कैरेक्टर का जैसे नाम लेते हैं तो ऐसे दिमाग में ये आता है कि जैसे ऐट द रेट, हैश, इनको हम स्पेशल कैरेक्टर बोलते होंगे, है ना। तो इन चीज़ों को अब हम क्लियर करेंगे। तो ये आप नोट्स भी बना के चलना कि कैटेगरी कितनी होती है, कीज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगी, नंबर भी हो जाएगा, अल्फ़ाबेट भी हो जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर भी हो जाएंगे, है ना। नंबर वन पे लेकर चलेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अब इसमें भी इसके नाम से ही हमें पता चल जाएगा, कोई अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ा और न्यूमेरिक, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक मतलब जो न्यूमेरिक कीज़ होती हैं वो। इसके अंदर हम कौन सी कीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, अब इनको आप नंबर वाइज एकदम अच्छे से क्लियर करके चलना। इसमें नंबर ए पर अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। अल्फ़ाबेट कौन से? ए से लेकर जेड तक, मतलब पूरे 26 अल्फ़ाबेट इसके अंदर
इन्वॉल्व होंगे अल्फा न्यूमेरिक कीज़ में, नंबर बी पे न्यूमेरिक कीज़ आ जाएंगी। न्यूमेरिक अगर हम लेकर चलें तो 0 से 9 तक के जितने भी नंबर हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, और नंबर सी पर हम लेकर चलेंगे अदर कीज़। और इन अदर कीज़ के अंदर कौन कौन से सिंबल, कौन कौन सी कीज़ इन्वॉल्व होंगी उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर देन, कोमा, डॉलर, एंड, सभी तरह के ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी साइन, टिल्ड साइन, हैश सिंबल, परसेंटेज का साइन, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, पावर, तो ये सब कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कीज़ के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कीज़ के अंदर सबसे पहली बात तो कैटेगरी ऑफ कीज़ होती कितनी है, जिसमें नंबर 1 पे अल्फा न्यूमेरिक कीज़ हमने देखी उसके 3 पोर्शन होते हैं। एक तो इसके वर्ड से पता चल रहा है अल्फा के अंदर अल्फाबेट आ जाएंगे और न्यूमेरिक के अंदर नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक के अंदर ही हम अदर कीज़ को भी इन्वॉल्व करेंगे, और उन अदर कीज़ के अंदर हमने देखे ये इतने सारे सिंबल इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं, और ये मोस्टली वो सभी सिंबल आ गए जो हमें एग्जैक्ट कीबोर्ड के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसमें अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि अल्फा न्यूमेरिक कीज़ के अंदर हम कौन कौन से बटन को, कौन कौन से कीबोर्ड के ऑप्शन हैं उन्हें इन्वॉल्व करेंगे। नंबर 2 पे हम लेकर चलेंगे स्पेशल कीज़ के अंदर कौन कौन सी कीज़ हम कंसिडर करते हैं। इसमें आ जाएंगी एक तो हमारी एंटर की, जो हम एंटर प्रेस करते हैं, शिफ्ट की, कंट्रोल की। अब कंट्रोल वर्ड तो एक अलग स्पेलिंग होती है, बट आपको कीबोर्ड के ऊपर CTRL लिखा हुआ मिलेगा। अल्टरनेट की, ऑल्ट लिखा हुआ मिलता है। डिलीट की, जिसके ऊपर हमें की के ऊपर DEL देखने को मिलता है। एक होता है कैप्स लॉक की होती है, एक होती है नम लॉक। ये जो कीज़ होती हैं ये हम कंसिडर करते हैं स्पेशल कीज़ के अंदर। अब जब भी स्पेशल कीज़ की बात होंगी और अल्फा न्यूमेरिक कीज़ की बात होंगी तो आपको अलग अलग पता होना चाहिए कि स्पेशल के अंदर हमने किन कीज़ को रखा था और अल्फा न्यूमेरिक में हम किन कीज़ को रख के चलते हैं। नंबर 3 पे अगर बात करें फंक्शनल कीज़ बहुत ही सिंपल है। इसमें हम F1 से लेकर F2, F3 करते हुए F12, ये 12 कीज़ होती हैं जो अपने नाम के आगे इनके FB लिखा होता है कीबोर्ड के ऊपर, और ये सब की सब हम देखते हैं जो होती है फंक्शनल कीज़ के अंदर। तो इन तीनों कीज़ को अगर हम समअप करें आज, तो आपको एक तो ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा अल्फा न्यूमेरिक कीज़ का, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगी कौन सी कीज़ के साथ में, स्पेशल कीज़ के साथ में। इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेना दिमाग के अंदर कि अल्फा न्यूमेरिक में 3 होते हैं, अल्फाबेट, न्यूमेरिक 0 से 9, और इसमें एक तीसरी तरह की जो कीज़ होती हैं जिसको हम अदर कीज़ के अंदर कंसिडर करते हैं, उसमें सारे सिंबल आ जाते हैं जो कीबोर्ड के ऊपर हमें दिए हुए हैं, और स्पेशल कीज़ में तो वो वाले सभी कीज़ आ जाएंगी जो एंटर है, शिफ्ट, कंट्रोल, डिलीट, ऑल्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, टैब। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। अगर एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड के अंदर ये तो आपको पता है कि टाइम के साथ साथ में कीबोर्ड में, CPU में, मेमोरीज के अंदर, इसकी स्ट्रक्चर में, स्पीड में, सब में अलग अलग डिफरेंस देखने को हमें मिल रहा है जैसे जैसे टाइम निकल रहा है। तो कीबोर्ड अगर हम देखें तो 84 कीज़ का भी एक कीबोर्ड आता है जिसमें जो बटन होते हैं वो 84 होते हैं। देन 101, देन आया था 102, और अब अगर हम मोस्टली जो अलग से कीबोर्ड आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर में, तो हम 104 कीज़ अगर किसी कीबोर्ड में हैं तो उस कीबोर्ड को हम लगभग यूज़ करते हैं। लैपटॉप के अंदर उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड हो जाता है,
कि हम कौन सा कीबोर्ड यूज़ करेंगे, 84 बटन हो या फिर 101 हो, 102 हो, तो ये इस तरह के जो कीबोर्ड है वो हम यूज़ करते हैं। इसमें बटन जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपके कीबोर्ड का साइज़ कितना है एग्जैक्टली। बट अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तब एक स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें हम 104 कीज़ लेकर चलते हैं, और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो हम MCQ में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ को भी कंफ्यूज करके कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो लैपटॉप के अंदर जैसे हमें इतना सा ही कीबोर्ड देखने को मिलता है, इसमें अलग से न्यूमेरिक कीज़ नहीं होती, तो इसमें नंबर ऑफ जो कीज़ होंगी वो चेंज हो जाएगी, कम हो जाएंगी मतलब। और अगर हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें, टैब कीज़ हैं, कैप्स लॉक कीज़, शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की, एस्केप की, ये फंक्शन कीज़ मैंने आपको बताई थी, F1 से लेकर F12 तक होती हैं। इसमें ये जो प्रिंट स्क्रीन की भी होती है, स्क्रॉल की भी होती है, यहाँ पे डिलीट की है, ये बैकस्पेस, एंटर की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट, विंडोज़ की, और ये सब आ गई हमारी 0 से लेकर 9 तक की सारी न्यूमेरिक की। ये नम लॉक की यहाँ पे होती है। तो एग्जैक्टली इन कीज़ का क्या काम होता है उसके लिए हम एक कीबोर्ड के ऊपर ही सेपरेट वीडियो बना लेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ इनपुट डिवाइसेस को देख रहे थे, तो मैं आपको सिर्फ एक बार ये कीबोर्ड दिखा रही हूँ कि इस तरह से कीबोर्ड जो है उसके अंदर 104 कीज़ होती हैं टोटल। ये एक हमारा स्टैंडर्ड कीबोर्ड माना जाता है। अब इसमें एक ये आपको इस तरह का भी कीबोर्ड देखने को मिलेगा, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक कीबोर्ड। इसमें जैसे नीचे से लाइट आती है और हमें हर एक जो अक्षर है वो अलग से लाइट के अंदर दिखता है। और एक होता है ये थंब कीबोर्ड बोलते हैं इसे। अब आपको ये पता है कि जैसे अपने पुराने वाले जो फ़ोन होते थे, अपने अंगूठे से हम क्या करते थे, उस मैसेज को प्रेस करते थे, और एक तरह का कीबोर्ड होता था, वो बटन को प्रेस करते थे, देन वो क्या करता था, मैसेज को टाइप कर देता था। अभी जनरली अगर हम बात करें तो हमारा जो फ़ोन है उसके अंदर क्वार्टी कीपैड एक तरह से सेंसर वाला हो गया, बट वो दिखाता कीबोर्ड ही है। तो इस कीबोर्ड का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, इसे हम बोलते हैं थंब कीबोर्ड। लाइट वाला जो होता है उसको हम ऑप्टिकल कीबोर्ड बोल सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इनको भी आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखना कि थंब कीबोर्ड तो वो होता है जिसे हम अपने अंगूठे से ही क्या करते हैं, पूरे को एक्सेस करते हैं, उसमें हम अपनी उंगलियों का यूज़ नहीं करते। बट एक नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है जिसमें हम कंप्यूटर में डेस्कटॉप के अंदर जिस इस कीबोर्ड को हम यूज़ करेंगे, तो ये हमारा एक नॉर्मल कीबोर्ड हो गया। जिस कीबोर्ड के अंदर हमें लाइट देखने को मिलती है उसे हम ऑप्टिक कीबोर्ड बोलते हैं। ये कीबोर्ड के कुछ टाइप्स हो जाएंगे। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, आप इसे अच्छे से रिवाइज़ करो और कीज़ जो होती हैं उन्हें आप एक बार एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह से और क्या चीज़ें हमें यहाँ पे इन्वॉल्व करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।